इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। याओ जो उन लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच चुका था और याओ को देखते साथ ही हेडोंग तो कुछ ज्यादा ही याओ से चिपकने लग जाता है। याओ तो बस स्टैचू बनकर एक ही जगह पर खड़ा हुआ था और चेंगवन भी उसके पास आकर उसे बताने लगते है कि हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। ये कहकर याओ को ड्रिंक करने का भी बोरी होता है पर हेडोंग उसकी जगह पर कहने लगता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं याओ की जगह पर ड्रिंक कर लेता हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। ये कहकर वो हेडोंग के साथ ड्रिंक करने वाली होती है तो याओ कहता है कि किसने बोला मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिसके अगले सेकंड दिखा जाता है कि याओ तो बेहोशों की तरह पड़ा हुआ था जिसे कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ है क्यों है। और ये दोनों से देख रहे होते हेडोंग कहने लगता है कि मैंने बोला था ना कि ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकता। तो चेंगवन कहते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह की हालत हो जाएगी। अब इसका नशा देखकर दोनों का नशा बिल्कुल उतर चुका था, अब सोचने लग जाते हैं कि हमें इसको घर कैसे लेकर जाना होगा। हेडोंग कहता है कि देखो लाश की तरह लेटा हुआ है, अब वहाँ से कार्ड पकड़ लेते और उसके ऊपर याओ को बिठाकर होटल में लेकर आ रहे होते हैं। अब ये दोनों होटल की तरफ तो लेकर आ रहे थे पर चेंगवन जब आसपास में लोग गुजरने वालों की बातें सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि हमें इसके फेस पर कुछ दे देना चाहिए ताकि कोलीग्स वगैरह जो हमारे हैं वो हमें पहचान ना पाए और ये ना पता लग पाए कि हम मिस्टर याओ को लेकर आ रहे थे। अब हेडोंग उसके ऊपर उसका एक और देने तो वाला होता है पर चेंगवन से कहते हैं कि तुम्हें तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए। ये कहकर उसकी याओ के साथ पिक्स बनाने लग जाता है और इसके बाद उसके ऊपर हेडोंग अपना कोड दे देता है और दोनों उसे होटल तो लेकर जा रहे होते हैं पर कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता कि ये मिस्टर याओ को लेकर जा रहे हैं। हेडोंग जो की लेने के लिए चला गया था उसके जाने के बाद याओ का भी तमाशा स्टार्ट हो जाता है, वो तो इसके ऊपर से उतर जाता है, कहने लगता है कि ये बेड बहुत ही ज्यादा सख्त है, मुझे नरम वाला बेड चाहिए, किसी और बेड पर मुझे भेजो। चेंगवन तो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है कि उसको वापस से कार पर बिठा दिया जाए पर वो उससे भी ज्यादा भारी होते तो ये भी उसका गला पकड़ कर जब लेकर जा रही होती है तो पीछे से हेडोंग आ जाता है जो आकर पूछे लगता है कि ये तुम क्या करी, तो कहती कि मार रही हूँ। तो हेडोंग फौरन से इसके पास आता कहने लगता है कि इसका फेस तो बिल्कुल पर्पल हो चुका है और दोनों फाइनली उसे बिठाते और बिठाने के बाद याओ को रूम तक भी ले आए थे। बेड पर तो फेंक देते पर हेडोंग कहने लगता है कि मैं टॉवल लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जब चला जाता है तो याओ उठकर दोबारा से खड़ा हो जाता और चेंगवन जब जाने लगते हो तो उसको वो टिप देने लगता है क्योंकि ये लड़का नशे में हो या जाग रहा हो टिप देना कभी भी नहीं भूलता। पर चेंगवन उसकी टिप लेने से मना कर देते तो ये भी अपना कोट और पैंट खोलने लग जाता है। ये देखकर चेंगवन जल्दी से हेडोंग को आवाज देने लगते है कि मिस्टर याओ अपनी पैंट खो रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो भागते हुए आ जाता है, पीछे से आकर हक कर लेता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उसको वापस से बेड पर फेंक देता और उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह भी दे देता है कि अपने आप को ढांपो, ये तुम क्या करने जा रहे थे। अब चेंगवन तो वहाँ से जाने लगते है पर हेडोंग उसे रोक कर याओ का वॉलेट पकड़ कर उसमें से जो भी पैसे होते हैं वो दोनों हाफ हाफ करने लगते हैं। पहले तो चेंगवन पकड़ लेते हैं फिर वापस करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वहाँ से चली जाती और कहती है कि मैं तुम्हें ईमेल भी सेंड कर दूंगी। अब उसकी तरफ से हेडोंग का जो ईमेल आती उसमें 20% हर चीज पर लिखा हुआ था और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा जाता है कि याओ को भी होश आ चुकी थी। उसे देखकर हेडोंग सबसे पहले उसे पानी दे रहा होता है और फिर उसकी रात वाली करतूतों के बारे में उसे बताने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ना रोकता तो तुमने तो चेंगवन के सामने अपनी पैंट भी उतार देनी थी। ये सुनकर वो पूछे लगते है कि क्या, तो वो कहता है कि हाँ तुम पैंट उतारने लगे थे। पर याओ कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो वो भी कह देता है कि हाँ मुझे पता था तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मेरे पास तुम्हारी कुछ पिक्स हैं। ये कहकर याओ को वो वाली पिक्स दिखाने लगता है जो चेंगवन के साथ बनाई थी। अब इन पिक्स को देखने के बाद हेडोंग जब और भी पिक्स दिखाने लगता तो वो नहीं देख रहा होता, बस लेटा हुआ था कि ये मैं क्या कर रहा था। तो हेडोंग कहने लगता है कि ये काफी सीरियस वाली पिक है। ये कहकर उसको वही वाली ईमेल दिखा देता है जो उन्हें चेंगवन की तरफ से आई थी। अब इसे देखकर ये थोड़ा सा परेशान नजर आता है जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि इसमें शिनजाई ने हेल्प की है। अब कंपनी में पहुंचने के बाद तो वो चेंगवन को बुला लेता उसे बात करने के लिए और चेंगवन पूछे लगते है कि आपको क्या रात में अच्छी नींद आई थी, तो वो कहता है कि हाँ अच्छी आई थी, क्यों क्या हुआ, तो कहती कि कुछ भी नहीं और बताती है कि मैंने आपकी टिप नहीं ली थी। अब याओ उस बात पर कोई भी रट नहीं करता, कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी ईमेल देखी थी, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, अब इवेंट को तुमने ही मैनेज करना है और याद है कि तुमने अच्छा सा काम करना है, तो वो कहती है कि जी मैं बिल्कुल अच्छे से काम करूंगी। अब याओ जब इसे देख ही जा रहा होता है तो चेंगवन कहते है कि आपने मुझसे कोई और भी बात करनी है। अब ये इसकी तरफ देखता है फिर लैपटॉप की तरफ देखता है फिर सोचता है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ही सोच कर लैपटॉप बंद कर देता है और उसको एक इनवेलप देते हुए बताता है कि ये तुम्हारे लिए है एक गिफ्ट। अब वो इनवेलप को जैसे ही देखते हैं तो पता लगता है कि ये तो उसी इवेंट का इनविटेशन होता है जो इवेंट चेंगवन करवा रही थी। वो तो ये देखते साथ इतनी खुश हो जाते हैं, कहने लगते है कि थैंक्स आपने मुझे ये दिया, मैं अपने मॉम डैड को जाकर दूंगी और वो लोग खुश हो जाएंगे और इतने एक्सपेंसिव होटल में आकर इंजॉय करेंगे। उसकी बातों को सुनकर याओ कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इजीली मान जाओगी, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए पेरेंट्स से बढ़कर खुशी किसी चीज की नहीं, वो कभी भी इतने एक्सपेंसिव होटल में नहीं गए और वो भी इन्हीं का होटल होने वाला था जहाँ पर हर चीज उन्हें खाने को फ्री मिलनी थी। अब चेंगवन ने तो जल्दी लेकर जाना होता तो कहने लगते है कि अगर आपने मुझसे कोई और बात नहीं करनी तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ ही हेडोंग आ जाता और आकर याओ से कहने लगता है कि तुमने क्या फिर से खरगोश को उसकी कैरेट दे दी है अपने और भी काम निकलवाने के लिए। ये सब बातें जब हेडोंग याओ से कर रहा होता तो याओ भी उसकी तरफ देख रहा होता, उसको अपने
पास बुलाते तो ये भी, याओ के जैसे ही पास होता है तो याओ भी इसे बोल देता है कि मेरी टीम मुझे वापस करो। ये सुनते साथ ही वो वहाँ से बहाने लगाते हुए चला जाता है और हमें चेंगुन दिखाई जाती है जो वापस घर पर आती तो पहले उसे बाहर ही डैड मिल जाते हैं। डैड को जब बुलाती है तो डैड तो उसके फेस पर खुशी देख कर ही समझ आते है कि कोई तो गुड न्यूज है, तो वो बताते है कि डैड ये गुड न्यूज आपके लिए है, आप मॉम को सरप्राइज देना चाहते हैं तो अब आप दे सकते हैं। वैसे इसकी मॉम दिखाई जाती है जो इस सरप्राइज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होटल होता है। वो कहने लगते है कि हम कमाते ही कितना है और तुमने इतने पैसे इस पर लगा दिए, ये रिटर्न करवा कराओ, मुझे इसके रिफंड पैसे चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर जाने वाली। अब चेंगुन के डैड मना रहे होते हैं पर वो मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए चेंगुन को ही बुला लेते हैं कि अब तुम्हें आकर सच बताना होगा। चेंगुन जब उन्हें आकर बताती है कि ये मेरे लीडर मिस्टर याओ ने दिया है और ये बिल्कुल फ्री है, ये मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिला और मिस्टर याओ कोई और नहीं है बल्कि वही है डैड जिनके लिए ड्राइविंग की जॉब करते हैं, पर उसकी मॉम को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। कहने लगते है कि नाना ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पहले तो लीडर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे तो ये सब कुछ क्यों दे रहा है। तो चेंगुन उन्हें यकीन करवाने लगते हैं और कार्ड्स पर इनका नेम दिखाने लगते है कि ये देखे स्पेशली आपके लिए और ये इन्विटेशन बाकी इन्विटेशन से डिफरेंट है। मैंने ये बात आपको नहीं बतानी थी पर आप तो डैड को मना किए जा रहे थे इसीलिए मुझे ये आपको बात बतानी पड़ी, आप बहुत ही ज्यादा नखरे करती हो। तो उसके डैड कहते हैं कि ये तो तुम्हारे और अंकल के घर जाकर भी खुश नहीं होती, पता नहीं इसने कहा ही खुश होना है, ना ही ये एक्सपेंसिव होटल पर खुश थी। तो कहती कि नाना ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी बेटी का क्रेडिट है जो हमें मिल रहा है। अब ये बातें करके वो खुद तो बैठ गई थी और चेंगुन के डैड को कह देते है कि अब आपको जाकर खाना बनाना होगा। अब यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ खाने की वजह से सेट हुई थी, तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे पहले नहीं पता था कि इसे एक ही खाना बनाना आता है, मुझे तो लगा था कि सारे खाने बनाने आते हैं, बस इसी एक खाने की वजह से मैं फंस गई। अब इसके डैड तो खाना बनाने चले जाते हैं, चेंगुन की मॉम चेंगुन से पूछे लगती है कि क्या खाना भी फ्री होगा, तो वो बताती है कि हाँ मॉम वहाँ से आप सी फूड भी खा सकती हैं। वो तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती और न्यू चीजें भी सोच लेती है जो वो ट्राई करना चाहती थी। अब ऐसे हमें वैलेंटाइन के इवेंट का डे दिखाया जाता है जहाँ पर चेंगुन सभी लोगों को वेलकम कर रही होती है और अपने मॉम डैड को भी वेलकम करने लगती है, उनके साथ पिक्स भी बनाती और फिर अपने मॉम डैड को अंदर तक भी छोड़कर आती है। और हमें मिस्टर याओ दिखाए जाते हैं जो आकर वॉयो से पूछे होते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, तो वो बताती है कि इवेंट के कूपन खत्म हो चुके हैं। अभी ये बात हो ही रही होती है तो वहाँ पर चेंगुन भी आ जाते हैं, कहने लगते है कि इस पर भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है और अभी तक उतने लोग क्यों नहीं आए जितने कूपन जा चुके हैं, और वैसे भी इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो याओ कहता है कि क्या सच में कूपन सेल हुए, तो वो कहती है कि जी सच में हुए हैं पर फिर भी मैं जाकर कंफर्म कर लूंगी। ये कहकर जा ही रही होती है तो वैसे ही सभी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर डांस वगैरह की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखकर चेंगुन पूछे लगती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था आज के इवेंट में, तो ये क्या हो रहा है, ये सब अभी देख ही रही होती है। तो वो लोग डांस करने के बाद जब पीछे हटते हैं तो वहाँ पर एक नाइट भी होता है जो काफी मुश्किल से चल कर आ रहा होता है और चेंगुन के सामने आकर बैठ गया था। अब चेंगुन तो देख रही होती है कि सर आपको क्या हुआ है, तो आगे से वो कहने लगता है कि योर हाइनेस आपका नाइट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया। अब ये देख रही होती है कि ये कौन है, अब उसके साथ उसके दोस्तों को देख कर पहचान जाते है कि ये शिनजाई होगा। वैसे ही शिनजाई के ऊपर से मास्क भी हटा दिया जाता है। शिनजाई को देख कर पूछे लगते है कि तुम यहाँ पर कैसे, और बाकी लोगों ने भी शिनजाई को पहचान लिया था और उसके मॉम डैड तो शिनजाई को देख कर सबसे ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिनजाई भी उनसे जाकर हैंडशेक वगैरह कर रहा होता है और ये सब याओ भी देख रहा था। और फिर तो शिनजाई चेंगुन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बैठ गया था और कहने लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ तक कि उसने अपनी तलवार में भी रिंग रखी हुई थी जिसे वो निकाल कर चेंगुन के सामने करने लगता है। अब याओ तो ये देख कर चला गया था और वो जो दूसरी वाली लड़की से कहते है कि मिस्टर जो को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, उन्हें भी तो पता लगे कि चेंगुन यहाँ पर क्या कर रही है। अभी तो चेंगुन जिसे शिनजाई पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट करके रखा हुआ था इसलिए उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, उसे कह रही होती है कि यहाँ से बाहर जाओ। बाबा कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, तो मैं मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। वैसे वहाँ पर मिस्टर जो आ जाते हैं जो आकर पहले तो चेंगुन को साइड में लेकर जाते हैं, साइड में लेकर जाकर जब डांटे लग जाते हैं तो ये चीज तो शिनजाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो तो अपनी चेंगुन को प्रोटेक्ट करने लग जाता, उन्हें बातें सुनाने लग गया था। वो तो इससे काफी डरने लग गए, तो कहने लगते है कि तुम होते कौन हो मुझे इस तरह की बातें करने वाले। अब चेंगुन इस सारी सिचुएशन को संभाल रही होती और शिनजाई को वहाँ से बाहर नहीं जाती है। बाहर लेकर आने के बाद उसे डांट रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर उसके मॉम डैड उनके पीछे पीछे ही आ जाते हैं, उसकी मॉम तो सबसे ज्यादा खुश होती है कि शिनजाई ने कितना अच्छा काम किया, पर उन्हें ये नहीं नजर आ रहा था कि इवेंट में ये हरकत क्या करने की जरूरत थी, पर उन्हें तो डायमंड की रिंग की खुशी होती है। अब यहाँ पर शिनजाई उसे बता देता है कि तुम्हें 20% डिस्काउंट मैंने दिलवाया था और यहाँ के सभी कूपन को खरीद भी लिया ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती थी ना ही मेरे कनेक्शन को यूज करना चाहती थी। अब उसकी ये बात सुनकर चेंगुन कहने लगते है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है इस इवेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी पर तुमने सारे कूपन को लेकर किसी को भी आने नहीं दिया, तुमने सारी मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। वैसे चेंगुन को अंदर से आवाजें आने लगती हैं इवेंट के स्टार्ट होने की, जिन आवाजों को सुनकर वह कहती है कि अब मुझे जाना होगा, पर शिनजाई अभी भी उसे रोक रहा होता है कि प्लीज मेरे प्रपोजल का हाँ या ना में आंस तो देकर जाओ। तो वह कहती है कि इस बारे में मैं घर जाकर बात करूंगी, मैंने तुमसे बोला है ना अभी यहाँ से जाओ। पर आगे से उसकी मॉम उसे रोक लेते हो, कहने लगते है कि तुम्हें शिनजाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने देखो
सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है। तो चैंगवन कहने लगते है कि मैं क्या करूं, अगर इसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया है प्लीज मॉम मेरी शादी में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और शिनचाई का मामला है। पर उसकी मॉम तो उसे बार बार फोर्स कर रही होती है, तो ये काफी मुश्किल से अपनी मॉम से जान छुड़वा कर इवेंट में चली जाती है। अब उसके इवेंट में जाने के बाद ये लोग भी शिनचाई को अपने घर पर इनवाइट कर लेते हैं। उसके डैड तो कुछ नहीं बोलते पर उसकी मॉम ही बहुत होती है। शिनचाई भी साथ में जाने के लिए फौरन से तैयार हो गया था। चैंगवन जो इवेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुरानदाजी चल रही होती है और बताया जा रहा होता है कि वो लकी पर्सन कौन होने वाला है, और उस लकी पर्सन का नंबर 66 है, और ये 66 नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि चैंगवन के मॉम डैड का होता है। पर वो लोग तो अब यहाँ से चले गए थे। और इधर शिनचाई दिखाया जाता है जो चैंगवन के मॉम डैड के साथ बैठकर खाना वगैरह खा रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरे मॉम डैड बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, डैड तो एक हफ्ते में एक ही बार नजर आते हैं। मैंने हमेशा ऐसी फैमिली का ड्रीम देखा जैसे आप फैमिली हो, हमेशा पास रहते हो, हंसी खुशी वाली लाइफ गुजार रहे हो। ये सुनकर वह कहने लगते है क्या कि तुम्हारी फैमिली के पास इतना बड़ा बिजनेस है तो उन्होंने संभालना ही होता है ना, तो वो अपनी लाइफ में कैसे टाइम निकाल सकते हैं, और मैं तो वैसे भी एक हाउस वाइफ हूँ, और उसके डैड वो भी ट्रेनिंग का काम करते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो शिनचाई कहने लगता है कि इसी वजह से तो आपने चैंगवन को इतने प्यार से पाला है। अब इन लोगों में इसी तरह की बातें चली रही होती, तो जैसे ही चैंगवन की माँ शादी की बात करते तो ये सुनते साथ ही शिनचाई खड़ा हो गया था और कस्मे खाने लग जाता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, पर उसके लिए तो चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल हुआ हुआ था इस आउटफिट में। और इधर चैंगवन दिखाई जाते जो घर की तरफ आ रही होती है तो हर आंटों से रोक रोक कर कह रही होती है कि तुम वापिस आ गई। इसे तो काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि पहले कभी भी किसी ने इसको इतना नहीं पूछा था। और एक कार्ड तो कह ही देती है कि मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी रिच है, कांग्रेचुलेशंस। तो चैंगवन आगे से खुश होकर कहती है कि थैंक्स, तो वो बताते है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर पर भी आया हुआ है, तुम्हारे मॉम डैड उसे अपने साथ ले आए थे। ये सुनते साथ ही वो फौरन से भाग कर ऊपर जाती, और जाते साथ ही शिनचाई को कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तो उसकी मॉम कहती है कि मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ और देखो तुम इसको हाँ कह देनी चाहिए। अब वापिस से चैंगवन वही बात करते है कि मॉम आपको मेरी और इसकी शादी के दरमियान में नहीं आना चाहिए, मेरी लाइफ का फैसला है। ये कहकर गुस्से से उसे बाहर निकलने को कहती और साथ में कहते है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसको वहाँ से बाहर ले जाती, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।